है गाइस, तो यहाँ पे इंटेल ने प्रीव्यू कर दिया है अपने लेटेस्ट आर्किटेक्चर को जो है आइस लेक सीपीयूज। और यहाँ पे 10 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे इस प्रोसेसर पे टेस्टिंग की गई थी और ये काफी सक्सेसफुल रहा है। अभी तक आपने देखा होगा जितने भी कॉफी लेक प्रोसेसर थे और उसके पहले यहाँ पे स्काई लैक थे, केबी लैक थे, और ये एक नया टेक्नोलॉजी है और एक नया आर्किटेक्चर है जहाँ पे आपको आइस लेक सीपीयूज देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है वो 10 नैनोमीटर पे बेस्ड होगा और यहाँ पे अभी रिसेंटली इंटेल लॉन्च करने वाला है अपने i9 सीरीज के 9900KS को, जो कि यहाँ पे गेमर्स के लिए स्पेशली टारगेटेड है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी है। इनफैक्ट यहाँ पे लैपटॉप में और जितने भी नोटबुक्स है जो कि इंटेल अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट में पुश करना चाहता है, वहां पे इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो AMD के प्रोसेसर से 1.5 गुना से 3 गुना ज्यादा थी। और अगर आप बात करते हो AMD के APU सीरीज से तो वहां पे इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 1.5 गुना ज्यादा थी। यहाँ पे जो इस प्रोसेसर की बेस क्लॉक स्पीड होगी वो होगी 4.0 गीगाहर्ट्ज की, और अगर आप टर्बो बूस्ट की बात करते हो तो यहाँ पे ये प्रोसेसर 5 गीगाहर्ट्ज पे भी जा सकता है और अपने सारे कोर्स जो कि 8 कोर्स है इस प्रोसेसर की उन्हें फुल्ली यूज करके जा सकता है। तो ये एक बहुत ही कमाल का आर्किटेक्चर है। हालांकि यहाँ पे AMD भी काफी अच्छा आर्किटेक्चर लेके आने वाला था और वो भी बहुत जल्दी ही लेके आएगा, लेकिन यहाँ पे जो इंटेल की गेमिंग की परफॉर्मेंस होती है वो ऑब्वियसली बहुत बेटर होती है। अगर आप गेमिंग में सिर्फ देखते हो तो इंटेल के जो सीपीयूज है वो काफी ज्यादा केपेबल होते हैं एक हाई एंड गेमिंग परफॉर्मेंस की और यहाँ पे एक स्मूथ गेमिंग परफॉर्मेंस की। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस प्रोसेसर के साथ जो ग्राफिक्स आ रहा है वो यहाँ पे इंटेल का जेन 11 आने वाला है, जो कि अभी जो i9 करंट सीरीज है उससे भी ज्यादा अपग्रेडेड है और ज्यादा बेटर है। यहाँ पे इस प्रोसेसर के साथ आपको DirectX 12 का सपोर्ट तो मिलेगा ही, और इस प्रोसेसर में आपको एक और फीचर मिलता है जो कि है VRS का, जिसे यहाँ पे वर्चुअल रेट शेडिंग बोलते हैं, जिसकी मदद से यहाँ पे जो ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस है वो काफी क्रिस्प होगी और काफी अच्छी होगी। इन सब के साथ साथ यहाँ पे जो AI की परफॉर्मेंस होगी इस प्रोसेसर की वो काफी बूस्टेड है, और इंटेल का ये दावा करना है कि यहाँ पे अगर इसके कंपैरिजन में कोई भी प्रोसेसर है तो वहां पे आपको ऐसी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इंटेल ने यूज किया एक नया तरीके का टेक्नोलॉजी जिसे वो वेक्टर न्यूरल नेटवर्क इंस्ट्रक्शंस बोल रहे हैं, जो कि यहाँ पे इस प्रोसेसर की जो AI कैपेबिलिटीज है उसे काफी बड़ा पुश देता है। और इंटेल का ये दावा करना है कि इसके कंपैरिजन में अभी तक कोई प्रोसेसर नहीं है जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा AI के फील्ड में। तो ये सारी चीजें आपको 28 मई को पता चल ही जाएगी, जिस दिन इंटेल ने सोच लिया इसे लॉन्च करने का। और यहाँ पे इंटेल ने 8 जनरेशन के बाद से जो मार्केट पकड़ा है वो काफी अच्छा है और काफी बेटर है अगर आप कंपेयर करते हो इंटेल के 6th और 7th जनरेशन के प्रोसेसर से। और यहाँ पे जो कंपटीशन है इंटेल और AMD के बीच में वो काफी बढ़ता जा रहा है। हालांकि यहाँ पे AMD बजट गेमर्स पे भी ध्यान दे रहा है और इंटेल जो है वो हमेशा टॉप नॉच ही गेमर्स पे ज्यादा ध्यान देता है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बजट गेमिंग का एक बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन है और ये सिर्फ एक टॉप एंड गेमर्स पे देते हैं जो कि काफी रिच होते हैं और जो इनकी प्रोडक्ट्स होती है वो काफी महंगे होते हैं। तो मेरे को लगता है कि इंटेल को यहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए। और आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल की वीडियो में नहीं दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिसकी मदद से आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे।